वेलकम बैक टू राज कन्नू ब्लॉग्स। सो अभी हमारा प्लान बना है एक ट्रिप करने का राजस्थान के लिए। सो आज उसी के लिए हम शॉपिंग करने जाएंगे, हम जयपुर जाएंगे, सब बहुत अमेजिंग अमेजिंग जगह घूमेंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है और ये ट्रिप लंबी भी होने वाली है। सो बहुत मज़ा आने, फैमिली है, अपने सारी फैमिलीज को देखा होगा अपन नगर में। ट्रिप के लिए शॉपिंग तो करनी पड़ेगी ना, तो अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। तो चलो करते हैं शॉपिंग। तो गाइस अभी हमारी ट्रैवलर आ चुकी है और बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं, और चलो आपको दिखाते हैं कि कैसी दिखती है और अंदर से उसका टूर बहुत मस्त है। चलो चलते हैं। सो गाइस ये है ट्रैवलर, इतनी बड़ी 16 सीटर है, और ये और यहाँ से है इसकी एंट्री, और यहाँ पे सबसे पहले ड्राइवर अंकल की सीट, और यहाँ पर है दो सीट इधर और एक सीट इधर, और ऐसे ही ऐसे भी इधर भी और इधर भी, ये ऐसे 16 सीट्स हैं यहाँ पे वहाँ तक, और लास्ट में है ये दो बेंचेस जहाँ पे सामान और इसके नीचे भी सामान। सो यहाँ पे सब जगह सामान है, और यहाँ से पीछे भी गेट है ऊपर आने का, और ये पूरी ट्रैवलर है जिसमें हम जाने वाले हैं, और यहाँ पर एक और भी सीट है, ये भी फोल्ड हुई है अंदर आने जाने के लिए, और यहाँ पर सब जगह विंडोज़ है, और ऊपर एक एयर फ्रेशनर लगाया और फैंस। सो चलो अब बाहर चलते। सो गाइस अभी हम सब बैठ गए कार में और सारे जने आ गए यहाँ पर, और अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से, और अभी हमने नाश्ता भी कर लिया है सबने, और सब कंफर्टेबली बैठ गए और सब जा रहे हैं। चलो अब जब हम आओ, और ये देवर्षी भी है, बहुत सारे, और अभी हम जब वहाँ पहुँच जाएंगे तब आपको वहाँ हेलो बोल दो, अब बाय कर दो। सो गाइस अभी हम उतरे हैं यहाँ पे रिफ्रेशमेंट के लिए, एक ढाबा है जो कि यहाँ पर है ढाबा, और ये रही ट्रैवलर हमारी, और अभी जिसको कुछ भी खाना हो या फिर कुछ करना हो तो हम यहाँ पे रिफ्रेशमेंट के लिए उतरे हैं, बहुत लंबे टाइम से बैठे थे, और यहाँ पे हम पानी मामा साहब और मैं झूले पे आ गए, और ये झूला और वो बच्चे पीछे चले गए, तो चलो चलते हैं। सो गई सबसे पहले हमारा ताना माता जी मंदिर, ये लोकल गांव में ही सिचुएटेड है, और हम यहाँ सबसे पहले आए पूजा करने के लिए क्योंकि ये ऐसे रिचुअल्स थे। सो चलो अभी यहाँ पे सब बैठे हैं, और अब से हम जाएंगे अच्छी अच्छी जगह, सो लेट्स गो, चलते हैं। सो गाइस अभी आपने देखा कि वहाँ पर पूजा थी, और अभी हमने सब ने पूजा कर ली, और अब हम जा रहे हैं वापस कार में बैठने। सो अभी ये सब लोग कार में वापस बैठ रहे हैं और वहाँ से जा रहे हैं, सो चलो कार में बैठते हैं, और यहाँ से कार में आपको सुबह टूर दे दिया था, चलो चलते हैं। हेलो गाइस वेलकम बैक, और दिस इज़ द नेक्स्ट डे। आपने कल देखा कि हमको ट्रैवलिंग करते करते रात हो गई थी, और हम यहाँ आके रुक गए थे और यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, और अभी हम जाएंगे करणी माता के मंदिर, उसका भी आपको पूरा टूर मिल जाएगा। और कल आपने देखा कल का पूरा ऑलमोस्ट पूरा दिन ट्रैवलिंग में चला गया, सो अब से चालू होता है असली राजस्थान ब्लॉग, सो लेट्स गो बाय। शामे मलंग सी राते सुरंग सी। सो गाइस ये है संतोषी माता टेंपल, और यहाँ से इसकी एंट्रेंस है, सो चलो भी चलते हैं अंदर, और यहाँ पे हमने सब जूते चप्पल खोले हैं, सो और यहाँ पर है अंदर एंट्रेंस, और ढेर सारे लोग यहाँ पर भी है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठ के पूजा कर रहे हैं।
समझ दिए हैं मूर्ति, मैं ज़्यादा नहीं लिखा पाया, सॉरी। तो ये है नंबर 3 सत्यई माता जी का मंदिर और यहाँ से इसकी एंट्री, और अभी हम तो बंद रहा है अभी चप्पल खोल के, और बहुत ही सुंदर की यहाँ। और ये गाइस यहाँ से नीचे से सब आ रहे हैं ऊपर, मैं पहले ऊपर आ गया था और यहाँ नीचे से सब आ रहे हैं। चलो सो गाइस, अभी हम अंदर जाने के लिए लाइन में लगे थे और देखो यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और ये जो बॉर्डर है ये एकदम किले टाइप लग रही है, और बहुत नीचे 2-3 मंदिर और दिख रहे हैं, और बहुत सारे घर, एकदम अच्छा सा व्यू दिख रहा है, बहुत ही अच्छा। एंड गाइस यहाँ पर अंदर मूर्ति लगी हुई थी जो कि दिखाना अलाउड नहीं है, ऑब्वियसली बात है बहुत सारे मंदिरों में नहीं होता है, तो मैंने दिखाया। और यहाँ पर बहुत सारे लोग पूजा कर रहे हैं, अंदर दर्शन कर रहे हैं। सो यहाँ से बाहर जाने के रास्ते अभी बंद हैं और कोविड की वजह से शायद। सो और यहाँ से आगे जाने का रास्ता है। अच्छा एंड गाइस यहाँ पर बहुत सारी कार्विंग्स भी थी, तो सोचा आपको दिखा दूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो गाइस यहाँ से रामदेवरा मंदिर की एंट्री, चलो अभी अंदर चलते हैं। तो गाइस यहाँ से मंदिर की एंट्री अंदर की तरफ, और बहुत सारी रेलिंग्स लगी है जिनसे घूम घूम के अंदर जाना होता है। और पंखे यहाँ पे बहुत ही बड़े हैं, आपने अभी देखा कि बहुत बड़े बड़े पंखे इधर। और ये रिमूर्ति, सॉरी ज़्यादा नहीं दिखा पाया क्योंकि लाउड नहीं है। चलो बाय। सो गाइस जैसा कि आपने देखा रामदेवा मंदिर, और अभी हम यहाँ पे इसकी लॉबी में खड़े हैं और फोटो क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे नदी है जो कि आपने देख ली होगी, और अभी सब खड़े हैं और उसे बहुत अच्छी राइड आ रही है। सो गाइस अभी यहाँ पर सब बैठे हैं और सब अभी फन कर रहे हैं यहाँ बैठ के, और दिशा दीदी और पूरा पवार परिवार इधर बैठा है। सो गाइस अभी आपने देखा कि हम मंदिर में थे, और अभी हम बहुत सारा ट्रैवल करके आ गए हैं एक होटल में, और इस होटल का टूर और रूम टूर सब आपको सुबह देंगे। और चलो अभी हम जाएंगे, सब सोने हैं, सब सेटल हो रहे हैं और सामान वालों को सेटल कर रहे हैं। सो अभी हम सो जाएंगे और फिर सीधा। गाइस गुड मॉर्निंग, चलिए हमारे साथ में करणी माता के मंदिर, वहाँ आपको ढेर सारे चूहे दिखाएंगे, उनके दर्शन कराएंगे माता जी के, चलिए लेट्स गो। तो अभी आपने देखा कि हम वहाँ पर खाना खा रहे थे और फिर हम आ गए थे नीचे और सो गए थे, और फिर उसके बाद अभी हम जा रहे हैं करणी माता के मंदिर आपके साथ। चलो हम चलते हैं जिसके लिए आप यहाँ पे आए थे, बाय। सो गाइस यहाँ से है करणी माता मंदिर की एंट्री, बहुत ही अच्छी कार्विंग्स और हार टंगे हुए, चलो अंदर चलते हैं। सो गाइस यहाँ पर मंदिर के अंदर इतने ज़्यादा चूहे नहीं हैं जितने हमने सोच के गए थे, और लाइन भी लगी हुई है यहाँ पर, और बहुत ही कम चूहे थे जितना एक्सपेक्टेशन थी। सो कोई बात नहीं, वैसे भी आपको भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी, बट नहीं था, और उधर कॉर्नर में भी है चूहे। तो चलो अभी आपको अंदर का दिखाते हैं और भी अंदर का, लेट्स गो। सो गाइस ये है खाटू श्याम मंदिर, और यहाँ पे बहुत लंबी लाइन है, जैसे कि लाइन इतनी लंबी नहीं है बट जो रेलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, एंड तक है बिल्कुल गोल घूम के। और ये है यहाँ पे बहुत थोड़ी बहुत भीड़ है,
सो यहाँ पर अच्छा भी आ रहा था तो मैंने सोचा चल ले लेते, सो चलो अभी अंदर चलते। सो गाइस यहाँ से अंदर जाकर आती है मूर्ति और बहुत ही अच्छा है, गोल्डन गोल्डन। सो अब यहाँ पे बहुत भीड़ थी, धक्का मुक्की हो रही थी बहुत, सो इतनी ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पाया, थोड़ा बहुत ही हो पाया। चलो अंदर, और यहाँ से और अंदर जाकर है, चलो अंदर चलते हैं। सो गाइस मूर्ति तो इतनी अच्छे से नहीं दिख पाई, पर मैं साइड में लगा देता हूँ मूर्ति को, सो आप अच्छे से देख पाओगे। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट मंदिर पर, चलो। हेलो गाइस, सो अगेन सुबह हो गई है और अभी इस बार हम आए हैं पुष्कर। तो आज आपको पुष्कर का व्यू मिलेगा, होटल्स, लेक्स, और उसके बाद आपने अभी हमारे सारे टेंपल्स देख लिए होंगे ढेर सारे, और अभी हम आ गए पुष्कर में, और ये हमारे मामी साहब है। हाय गाइस, हम अभी पुष्कर में हैं, आइए आपको मिलाते हैं ब्रह्मा जी के मंदिर से, पुष्कर घुमाते हैं, थोड़ी देर बाद में मिलते हैं पुष्कर में, यो चलो बाय। सो गाइस ये है पुष्कर की लेक, और इधर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इधर आप सिर्फ एंजॉय करो, बाय। तो चलो अभी चलते सावरिया सेठ मंदिर के अंदर। सो गाइस ये है वे अंदर जाने का, और ये बहुत बड़ा है तो मैं इसको थोड़ा सा क्लब करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि वे बहुत बड़ा है। सो अभी इस तरह चलते हैं मेन जगह, चलो। सो गाइस ये है सावरिया सेठ मंदिर का व्यू, लाइट्स की वजह से और नाइट की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और इसके अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो मैं आपको थोड़ी फोटोज़ दिखा दूँगा। तो चलो बाय। सो गाइस अभी हम यहाँ पर आए और हमको इतने मस्त व्यू स्पॉट दिखे जो अभी आपको दिखाएंगे, बहुत ही अच्छे, अभी देखते हैं चलो। सो गाइस अभी आपने देखा कि हम बहुत सारी जगह घूमे, अभी हम आ चुके हैं घर, और राजस्थान में बहुत मज़ा आया, बट ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स थे जो हम नहीं घूम पाए, अभी हम सिर्फ मंदिर के पर्पस से गए थे और बहुत सारी जगह छूट भी गई। अगली बार जब जाएंगे तो और भी मज़े करेंगे, और आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो,
और कमेंट करो और फीडबैक दो कि कैसा लगा व्लॉग। सो बाय।